मगर इनके हर बार यही ड्रामे रहे हैं। हम जब तक नहीं इनके आगे हाथ फैलाएंगे, इनको छंदे करेंगे, तब तक इनको ये इनको मतलब कि वो है कि जब तक नहीं इधर शोर शराबा होगा, मीडिया वाले आएंगे, आगे जाएगी बातें, तब तक इनको चैन नहीं आता है। ये खुद करवाते हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम तो मजबूर हैं, हम छोटे मुलाजम हैं, पीछे से हमारी 9,000 तनख्वाह आती है, हर डिपार्टमेंट को 9,000 तनख्वाह मिलती है, हमें क्यों नहीं मिल रही है? अब जब तक हमारी हड़ताल नहीं उठेगी, जब तक हमारा पैसा नहीं आएगा, हमारा PF आएगा, हमारी पे आएगी 4 महीने की, तब जाके हम इधर से उठेंगे। ऐसे हम नहीं उठेंगे अब कि ये लोग मतलब कि ये है ना, बोलते हैं कि बच्चा जब तक ना रोए तब तक उसको माँ ना दूध नहीं देती, मगर ये वो माएँ हैं कि बच्चा रोके भी उसको भी दूध नहीं देती है। ये वो माएँ हैं, हमने देखा है, क्योंकि हमें इधर 8-9 साल हुए हमें काम करते, मगर इन लोगों को एहसास नहीं है। ये लोग क्या ये GMC अफसर नहीं समझते हैं गरीब लोगों की? और अगर इनकी सैलरी बंद हो जाए, हम नहीं बोल रहे इसकी, अगर किसी की मुलाजम की सैलरी बंद हो जाए 6-4 महीने, वो मुझे दिखाएं कि वो अपना घर कैसे चलाएंगे, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे क्या भीख मांगेंगे? किसी के बच्चे भीख नहीं मांगने चाहिए, ना मुलाजम के बच्चे भीख मांगने चाहिए, ना गरीब के बच्चे भीख मांगने चाहिए, क्यों मांगेंगे वो भीख? क्या इस हम इधर भीख मांगने के लिए आए हैं, मुलाजमत करने के लिए? या तो हमारी टर्मिनेशन कितने हैं, हम एक टर्मिनेशन निकाल दो सबों की, एक नाम पे टर्मिनेशन, एक ही आर्डर तरंगा का हो जाए टर्मिनेशन हमारी, और हमें दे, हमारे पास होगी हिम्मत तो हम लेंगे फिर टर्मिनेशन का इंतज़ाम, वरना एक एक को यूज़ करके मत इस्तेमाल करो, गरीब के साथ बहुत अन्याय हो रही है। ये गरीब के साथ नहीं, ये हर किसी जो भी मुलाजम नहीं है, जो गरीब है उसके साथ अन्याय है ये, चाहे वो अगर वो मुलाजम नहीं भी हो उसके साथ भी अन्याय है। यानी आपका ये कहना है कि ये लोगों का जो काम है इंतहाई ज़रूरतमंद है हॉस्पिटल के लिए, लेकिन एक तरफ से ना तो हॉस्पिटल या गवर्नमेंट इनकी जिम्मेदारी ले रहा है, दूसरी तरफ कंपनीज भी इनको तनख्वाह नहीं दे पा रही है, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर मौजूद हूँ। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से अगर देखा जाए 3 ऐसे शोबे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में हैं जो दिन रात करके मेहनत मशक्क़त करके लोगों की जो है सर्विस में लगे रहते हैं, खिदमत में लगे रहते हैं, उसके बावजूद तकरीबन काफ़ी महीनों से इनकी सैलरीज बंद होने की वजह से आज ये लोग प्रोटेस्ट पे और एहतजाज पे उतर आए हैं। आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरे पीछे इस वक्त सबसे पहले यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स और अटेंडेंट्स और कुछ स्वीपर्स हैं, और इन लोगों के यहाँ जो है इस वक्त जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इनकी यही मांग है कि इनकी जो है सैलरीज़ को जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए, और इन लोगों के जो मसाइल हैं ये काफ़ी मसाइल से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग आज प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं, और अगर इनका मसला जल्द से जल्द हल नहीं होता है हॉस्पिटल के अंदर इन 3 कामों में बहुत ज़्यादा कोताही भी बरती जा सकती है। पूरी जानकारी इन्हीं लोगों से लेने की कोशिश करेंगे, आइए हमारे साथ बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए आपका नाम जानना चाहूँगा। अब्दुल समद। क्या कहना चाहेंगे आप सिक्योरिटी गार्ड्स जितने भी हैं, इसके अलावा आप कौन कौन से इस वक्त यहाँ पे प्रोटेस्ट पे हैं, कौन कौन से लोग? स्वीपर, सिक्योरिटी और अटेंडेंट, हम 3 की सैलरी बंद है, न PF का पता है, न हमें सैलरी का पता है, और न हमें ये पता है हम किसके मुलाजम हैं, हमें ये भी पता नहीं है, सिर्फ तिरंगा है हमारे पास, बाकी हमें कोई पता नहीं, ना हमें यहाँ का सुप्रिटेंडेंट साहब बोलता है हमारे मुलाजम नहीं हो, GMC वाले बोल रहे हैं हमारे नहीं हो, तिरंगा वालों को हमें पता ही नहीं वो कौन सी कंपनी है, जिसकी वजह से हमें तिरंगा के साथ हमारा कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ना कि GMC के साथ, और हमें वो दिखाई नहीं गई वो ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, कहाँ है, और ठाकुर सिक्योरिटी वालों ने हमें पहले किया है घोटाला हमारे साथ, वो घोटाला है, अभी उसको जाँच करें ना, घोटाला है, 5 साल के बाद उन्होंने 17,000 रुपये हमें PF दिया है, जो कि हमारा पैसा काट के उन्होंने 4,000 हमें नेट दिया है पेमेंट, मतलब तनख्वाह, और PF बोल रहे थे हम आपको काटेंगे इतना इतना, तो फिर 1200 कुछ रुपए मिलेंगे आपको पर मंथ, और हमें दे रहे हैं 17,000 5 साल के बाद वो PF, और किसी अफसर ने नहीं पूछा है कि ये 17,000 क्यों दे रहे हैं उनको, और हमें 1-1 लाख रुपया चढ़ा है कर्जा, जो कि हमने रखा था कि हम PF पे दे देंगे उनको, PF पे हमें 17,000 आ गया, 17,000 में भी हमें उसमें भी हमें कोई 4 महीने चलाए इन्होंने, हर जूते पे हर महीने पे 1 जूता लेना पड़ता था इनके पास जाने, कोई बोलने लगा हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है, अगर फंड्स नहीं है, अगर 60 पोस्टें हैं तो 100 कैसे कर दिए आप लोगों ने, किसने बोला? सो गरीब लोगों को क्यों ऐसे मजाक बनाया है, अगर 60 पोस्टें हैं तो 60 का ही इंतज़ाम होना चाहिए, आपने 120 कैसे लगाए, अब उसमें तो अफसर ही पूछ सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर डोडा से मेरी अपील है, उसके बाद मनोज सेना जी से अब मेरी अपील है, पुरजोर अपील है मेरी,
ताकि गरीब लोगों का खून चूसा जा रहा है। और कोई भी अफसर हमारा विलिंग नहीं है, जो भी अफसर आ रहा है कोई बोल रहा है मेरा सुनो, कोई बोल रहा है मेरा सुनो, कोई ठेकेदार बोल रहा है मेरा सुनो, अब बोल रहे हैं हमारे पास कोई ये टेंडर लेने वाला नहीं। कोई जनाब कौन लेगा जब किसी के ऊपर पावर ही नहीं दी है, किसी को पैसे का पता नहीं, कहाँ से पैसा आएगा कहाँ जाएगा, क्यों गरीब लोगों को क्यों ऐसा खिलवाड़ बनाया है, क्यों बनाया, दरवाज़ों पर खड़ा रखा है और वहाँ पर हमें धक्के लग रहे हैं और तनख्वाह हमें इधर से जाकर हमने उधार लेना। अरे भाई हम इधर उनको धक्का देंगे फिर उनके पास जाना है उधार लेने के लिए, क्या ये जीएमसी अफसर नहीं समझते हैं गरीब लोगों की? और अगर इनकी सैलरी बंद हो जाए, हम नहीं बोल रहे इसकी अगर किसी की मुलाजिम की सैलरी बंद हो जाए 6-4 महीने, वो मुझे दिखाएं कि वो अपना घर कैसे चलाएंगे, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे क्या भीख मांगेंगे? किसी के बच्चे भीख नहीं मांगने चाहिए, ना मुलाजिम के बच्चे भीख मांगने चाहिए, ना गरीब के बच्चे भीख मांगने चाहिए, क्यों मांगेंगे वो भीख? क्या इस हम इधर भीख मांगने के लिए आए हैं मुलाजमत करने के लिए? या तो हमारी टर्मिनेशन कितने हैं, हम एक टर्मिनेशन निकाल दो सबों की एक नाम पे एक ही आर्डर तरंगा का हो जाए टर्मिनेशन हमारी, और हमें दे, हमारे पास होगी हिम्मत तो हम लेंगे फिर टर्मिनेशन का इंतज़ाम, वरना एक एक को यूज़ करके मत इस्तेमाल करो, गरीब के साथ बहुत अन्याय हो रही है। ये गरीब के साथ नहीं, ये हर किसी जो भी मुलाजिम नहीं है जो गरीब है उसके साथ अन्याय है ये, चाहे वो अगर वो मुलाजिम नहीं भी हो उसके साथ भी अन्याय है, कल उसका बच्चा भी यहाँ पे आना है, जब हमारे साथ खिलवाड़ है कल उसके बच्चे के साथ भी खिलवाड़ है, हर एक गरीब इस मिशन के साथ में होना चाहिए। आप मुझे ये बताइए, अगर तिरंगा के अंदर आप 3 डिपार्टमेंट्स यहाँ पे चला रहे हो हॉस्पिटल के, अगर आप 3 लोग चाहे अटेंडेंट्स हो, स्वीपर्स हो या सिक्योरिटी गार्ड्स हो, तीनों पोस्टें बहुत ही अहमियत रखती हैं इस हॉस्पिटल में, अगर आप लोग एहतजाज पे रहेंगे कितना ज़्यादा हॉस्पिटल के अंदर जो है लोग मुतासर होंगे? तो इनको तो ये तो देखेंगे ना हालात क्या हो सकती है, हम नहीं उठाएंगे कि हम गंद डालेंगे, हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, हमें पता है यहाँ पे हमारे ही बच्चे आएंगे, हमारे ही लड़के आएंगे, जैसे ये नहीं सोचते, हम तो सोचते हैं गंद हो के, हम ऐसे खुद नहीं, इधर खुद बन जाएगी गंद, इधर खुद लोग ऊपर चढ़ेंगे, क्योंकि लोग जो है हर चीज़ में डिसिप्लिन होना चाहिए, अगर डिसिप्लिन ही नहीं हो तो हम थोड़ा बोलेंगे हम फेंकेंगे गंद एमरजेंसी में, हम पागल थोड़े हैं हम एमरजेंसी में गंद फेंकेंगे, खुद बन जाएगी यहाँ पे गंद, लोग खुद मजबूर हो जाएंगे। अच्छा पहले जो अब अच्छा तनख्वाह जो है 5822 रुपये हमें नेट है, 6700 कुछ हमें उधर से बोल रहे हैं, कब से हुआ है 9000 का आर्डर, और हमें तड़फा रहे हैं भाई, ये नहीं कर रहा है कुछ, वो नहीं कर रहा है कुछ, हम आपस में कुछ टकराव लगाए, भाई साहब वो अफसर लाओ जो टकराव नहीं करेंगे यहाँ पे, क्यों टकराव चल रहा है यहाँ पे गरीब के ऊपर, क्यों टकराव चल रहा है इधर, हमें गुस्सा नहीं आएगा और क्या होगा, क्यों टकराव कर रहे हैं ये आपस में, 2-2 लाख रुपये तनख्वाह लेके और ये आपस में टकराव कर रहे हैं, और 5822 रुपये वालों के ऊपर ये सियासत या कोई मजाक बना रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मजाक हमारे साथ, गरीब लोगों के बच्चों के साथ क्यों मजाक कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हम किसी के ऊपर हमें 9000 रुपये जो तनख्वाह जो आर्डर आया है, मनोज सिन्हा जी को इस पे गौर करना चाहिए कि गरीब के पास ग्राउंड में कुछ नहीं पहुंच रहा है, क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे पास सब कुछ है, पुलिस है, CIV है, जो ठाकुर सिक्योरिटी वालों ने भी हमारा PF खाया है, 17-18 हज़ार मुझे दिया है 5 साल के बाद PF, क्या उस पे जांच नहीं होनी चाहिए? मेरे ही नहीं, सबों के ऊपर करो, जो जम्मू ये डोडा GMC जो है यहाँ से शुरू करो मिशन, ताकि हमारे पास जो PF जो जमा हमारा हुआ था वो कहाँ गया, किसने खाया, अगर कंपनी वालों ने खाया उसको उसमें क्यों नहीं डालते हो, उसमें क्या बोलते हैं ब्लैक लिस्ट में क्यों नहीं डालते उसको, सजा क्यों नहीं उसके लिए, ठीक है? और उसके बाद जो तिरंगा का PF जो है, किसी को 2800 है, किसी को 80,000 है, हम बोल रहे हैं 80,000 वाला ठीक है, क्योंकि वो तो ठीक है उसने किया है 3 या 4 साल नौकरी, लेकिन जो 2800 रुपये वाला है वो कहाँ जाएगा, वो गरीब नहीं है क्या? ड्यूटी दी है उसने, अच्छा हमारा आफ नहीं है, पूरे GMC में हर किसी मुलाजिम का आफ है, न सिक्योरिटी का है, न स्वीपर का है, न अटेंडेंट का, कोई भी आफ हमें नहीं मिलता है, हर मतलब 24 घंटे हमारी ड्यूटी कंटिन्यू यहाँ पे, ये लोग भी बोलने चाहिए कि हाँ है, हर किसी को यहाँ पे देखते हो आप, नहीं देखते हो ये खुद इनको पता चलेगा कि हमें आपने क्या, हम इंसान नहीं है क्या, हम बीमार नहीं पड़ते हैं क्या, हमारे पास कोई इमरजेंसी नहीं आती है क्या, हमारे घर में कोई इमरजेंसी नहीं है क्या? ठीक है, आप शुक्रिया, शिवम चैनल डोडा से मैं कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम है करना देवी। आप मुझे बताइए, आप लोग जो औरतें हैं यहाँ पे और ये जो एक यहाँ पे कंपनी
इस वक्त ये तिरंगा है, आप लोगों को किस वजह से यहाँ पे जॉब करने के लिए आना पड़ा? सर क्या है, मजबूरी होती है, मजबूरी के लिए हर कोई आता है। तो अगर हम 8 घंटे 6 घंटे यहाँ पे ड्यूटी देते हैं, उसके बाद कौन हमारा बाप होगा कि हमारे को दूसरी जगह पे वो काम को लगाएगा। 24 घंटे हमने यहाँ पे ड्यूटी देनी, और ऊपर से फिर हमारे को तनख्वाह, आप 4 महीने हो गए, आज से पहले भी 2 साल इन्होंने 3 साल ऐसे किया था, तब भी हमारी सैलरी 8 महीने बंद रही थी। ये क्यों ऐसा होता है हमारे साथ, हमारे साथ ही क्यों होता है ऐसा? ये मुझे तो नहीं लगता, अगर जो गवर्नमेंट मुलाजम होगा ना, उसको अगर 2 महीने पे बंद भी हो जाएगी ना, उसका चलता है, मगर मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट वालों को ऐसा होता कि प्राइवेट वालों को पे बंद होती है, क्योंकि वो तो प्राइवेट होते हैं ना। मगर इन लोगों को पता नहीं क्या है कि ये लोग, मतलब कि ये है ना, बोलते हैं कि बच्चा जब तक ना रोए तब तक उसको माँ ना दूध नहीं देती, मगर ये वो माएँ हैं कि बच्चा रोके भी उसको भी दूध नहीं देती है, ये वो माएँ हैं, ये वो माएँ हैं, हमने देखा है। क्योंकि हमें इधर 8-8, 9-9 साल हुए हमें काम करते, मगर इन लोगों को एहसास नहीं है। ये लोग बस आएंगे रोड पे, ये है जी वहाँ, ये है, ये रश है, ये है, यार हमारा भी तो सोचो, हम भी एक गरीब है, हम औरतों को घर चलाने होते हैं, हैं कोई औरतें हम ऐसी है कि हमें तो अपने सर पे ही सारा कुछ है, हैं लोगों के घरों में किराए पे रहना है, ना हमारे पास पैसा है ना कुछ है, हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ से देंगे लोगों को किराया, कहाँ से हम बच्चे पालेंगे? इन अफसरों को क्यों नहीं दिखता है हमारा है? इनको हम जीएमसी वालों को बोलेंगे ये बोलेंगे, तिरंगा वालों को बोलेंगे तो वो बोलेंगे, जीएमसी वालों को आप बताओ कि हम किसके पास जाएंगे? अब जब तक हमारी हड़ताल नहीं उठेगी, जब तक हमारा पैसा नहीं आएगा, हमारा पीएफ आएगा, हमारी पे आएगी 4 महीने की, तब जाके हम इधर से उठेंगे, ऐसे हम नहीं उठेंगे। अब कितने सालों से जॉब कर रहे? मैं 9 साल से, मुझे 9 साल हो गए इधर जॉब करते, मगर इनके हर बार यही ड्रामे रहे हैं, हम जब तक नहीं इनके आगे हाथ फैलाएंगे, इनको छंदे करेंगे, तब तक इनको ये, इनको मतलब कि वो है कि जब तक नहीं इधर शोर शराबा होगा, मीडिया वाले आएंगे, आगे जाएगी बातें, तब तक इनको चैन नहीं आता है। ये खुद करवाते हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम तो मजबूर हैं, हम छोटे मुलाजम हैं, पीछे से हमारी 9,000 तनख्वाह आती है, हर डिपार्टमेंट पर 9,000 तनख्वाह मिलती है, हमें क्यों नहीं मिल रही है, क्यों नहीं दे रहे हमें ये 9,000? अब हमें 9,000 पे मिलनी चाहिए, तब तक हमारी कोई हड़ताल नहीं उठेगी। शुक्रिया। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अनायतुल्ला है। क्या कहना चाहोगे आप लोग, किन किन मसाइल को लेकर के आज यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं? मसाइल हमारे यह है कि हमारी तो ऑलरेडी 5822 रुपये हमें पे मिलती, वो भी 4 महीनों से बंद है, उसकी वजह से हमें बहुत सी परेशानियाँ उठानी पड़ी है, क्योंकि घर पे बच्चों को खाने के लिए दुकानदारों का देना है, दुकानदार अभी पैसा मांग रहे हैं, हमारे पास नहीं है, राशन पानी हम लेते हैं उधार, वो उनको देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए हमने आज प्रोटेस्ट किया कि हमें अपने वो जो हमारा हक है वो मिलना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे ये हड़ताल की। ये कौन सी, यहाँ गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या किसी कंपनी के तहत काम कर रहे हैं? हम ये तिरंगा मैन सॉल्यूशन पावर से काम करते हैं, उनके अंडर करते हैं, लेकिन पे हमारी जो जेएमसी से आती है। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अजय शर्मा है। क्या कहना चाहोगे? सर मैं एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि 4 महीने से हमारे जो बंदे इनको टाइम टाइम डेट पे दी जा रही है, 10 दिन के लिए बोला जा रहा है 10 दिन रुक जाओ, 10 दिन के बाद फिर बोला जा रहा 10 दिन रुक जाओ, सुनवाई तो कोई कुछ हो ही नहीं रही है। हम अपने मेन तिरंगा वालों से बात कर रहे हैं, वो बोलते हैं आप जेएमसी से बात करो, जेएमसी वाले बोल रहे तिरंगा से बात करो, हमें कोई समझ ही नहीं आ रही हम है किस खाते के नहीं है। हमारे कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको बेचारों को घर से, जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको कोई फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, टाइम का पैसा नहीं मिल रहा है, और उनके बच्चे घरों स्कूलों से वापस किए जा रहे हैं। अब मजबूर होकर ये सारे जितने भी हमारे बहन भाई जितने भी सब यहाँ पर स्ट्राइक पर उतर चुके हैं, जब तक ये कोई क्लियर फैसला ना होता तब तक स्ट्राइक ऐसे ही चलती रहेगी। कितने महीनों की सैलरी बात? सर ये 4 महीने बराबर हो चुके हैं, यानी कि समझो 110 दिन हो चुके हैं। वजह क्या है? वजह बस यही है कि सैलरी कभी बोल रहे हैं हमारे पास बजट नहीं आ रही है, बजट आती है वो कहाँ जाती है, बजट उसका कोई पता नहीं कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है। तो इनके जो तिरंगा में जो इनके अहदेदार हैं उनके साथ बातचीत की? सर उनसे हम बराबर कॉन्टेक्ट में हैं, मगर वो हमारे फ़ोन उठा के राजी नहीं है। जम्मू में हमारे वहाँ पे चीफ साहब बैठे हुए हैं, वो तो हमारे कॉल उठा के राजी नहीं है। जो अगर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर के वो फ़ोन नहीं उठा रहे, वो हम लोगों के कहाँ से फ़ोन उठाएंगे वो? और इस चीज़ से हम तंग आके हम लास्ट में हमने यही मतलब उठाया कि हम इस अच्छा स्ट्राइक करेंगे, उसके बाद ही उनसे पूछताछ होगी क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले 5822 होती क्या है, और वो भी टाइम के अगर इन बंदों को ना मिले इनका क्या हाल होने वाला है? ऊपर से हमारे पीएफ है कि ऐसे बंदे हमारे रखे जिनकी 4-4 साल नौकरी है, 6-6 महीने की उनको जाइन दी गई पीएफ में, कहाँ 6 महीने इनकी नौकरी है, बाकी 3 साल का पीएफ उन्होंने उड़ा दिया है, वो उनका कोई आता पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इनका बस यही ड्रामे चलते आ रहे हैं यहाँ पे।
बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। आपने देखा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर इस वक्त 3 डिपार्टमेंट्स बहुत ही ज़्यादा सफ़र होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने, अटेंडेंट्स ने और स्वीपर्स ने हड़ताल जो है रख दी है। और साफ तौर पर आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अगर इन 3 डिपार्टमेंट्स ने हॉस्पिटल के अंदर एहतजाज में रहना मुनासिब समझा और ये लोग हड़ताल पर और इनके मसाइल हल नहीं किए गए, सबसे पहली बात यह कि हॉस्पिटल के अंदर गंदगी बहुत ज़्यादा फैलेगी। चूँकि हमारे पास कुछ ऐसी रिपोर्टें भी आई हैं कि यहाँ के टॉयलेट्स की इतनी ज़्यादा बुरी हालत है कि वहाँ पर इतनी गंद है जिसको आज तक किसी ने नहीं उठाया। लेकिन उसके बावजूद अगर आज ये स्वीपर लोग फिर हड़ताल पे रहेंगे तो उसके बाद पूरे हॉस्पिटल के अंदर किस तरीके का मामला होगा आप खुद देख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर आमतौर से बहुत ज़्यादा हंगामे देखने को मिलते हैं, और उन हंगामों को रोकने के लिए अगर सबसे ज़्यादा काम करता है वो सिक्योरिटी गार्ड करते हैं, और उसे डिसिप्लिन मेंटेन करने में सिक्योरिटी गार्ड्स का बहुत ही अहम रोल रहता है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग भी आज हड़ताल पे हैं। तीसरी बात यह है कि अटेंडेंट्स भी हैं, और इन तमाम लोगों के यहाँ से काफ़ी सारे मसाइल जो है इस वक्त हॉस्पिटल को देखने को मिलेंगे अगर इनके मसाइल हल नहीं होते। फिलहाल ये थी GMC की रिपोर्ट। इसी के साथ साथ हमारे तक जानकारी, हम उनसे भी थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन लोगों के मसाइल हल क्यों नहीं किए जाते। हमारे साथ बने रहिए। नाज़रीन, खबरें मुसलसल। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के तिरंगा कंपनी के तहत लगाए गए मुलाजमीन के हवाले से इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के प्रिंसिपल साहब से हम बातचीत करेंगे कि पूरा मसला उनका क्या है और वो हल कब होगा और किस तरीके से, पूरी जानकारी लेंगे इन्हीं से। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपने शुभम चैनल डोडा में इस्तकबाल करता हूँ सर। शुक्रिया सर। मैं आपसे यही जानकारी लेना चाहूँगा कि यहाँ पर आपके जो ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, अटेंडेंट्स हैं और स्वीपर्स हैं, 3 लोग ऐसे हैं जिनका कहना यह है कि हमें आज तक नहीं ये पता चल सका कि हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या कंपनी के। अगर हम कंपनी के हैं, कंपनी भी हमें सैलरी नहीं दे रही है, और हॉस्पिटल वालों से कहते हैं तो ये कहते हैं कि कंपनी के पास जाओ, लेकिन क्या किया जाए? और काम तो हॉस्पिटल में हम जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं 24 घंटे, क्या कहेंगे आप? इसमें तो आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया है कि कंपनी के हैं या गवर्नमेंट के हैं। तो ये लोग ऐसा तो नहीं, मेरे नाले में तो नहीं है कि स्ट्राइक में जा रहे हैं आज। लेकिन जो भी है, ये भी एक ह्यूमन रिसोर्सेस हैं और कंपनी के थ्रू आते हैं, वही उनको रखती है ना। तो ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, और एम्प्लॉई तो दूर की बात है, ये तो सिर्फ कंट्रेक्चुअल और डेली वेजेस के हिसाब से पे इनको मिलती है। और सर देखा जब अगर जाए, ये 3 ऐसे डिपार्टमेंट्स आपके हॉस्पिटल में, अगर ये 3 डिपार्टमेंट्स में ये लोग काम नहीं करेंगे तो आपका हॉस्पिटल बहुत मुतासर हो सकता है। नहीं, ये बात तो सही है, इनके काम तो करेंगे, ये इंशाल्लाह करेंगे, और हमारी भी जितनी कोशिश होगी इनके मसले हल करने में मदद की, हम भी करेंगे। वजह क्या हो सकती है, इनकी सैलरीज बंद क्यों पड़ी हैं? सैलरीज बंद तो नहीं पड़ी है, ये तो ऐसा है कि जितने कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लगे हुए हैं, और जितनी स्ट्रेंथन हमारी है इनकी, हम तो चाहते हैं, हमने गवर्नमेंट से भी किया है कि हमें हमारा बजट थोड़ा इंक्रीज़ किया जाए ताकि हम जो ये पूरे एम्प्लॉई हैं इनकी कैटरिंग कर सकने सही ढंग से। आप मुझे सर ये बताइए, जिस तरीके से आपने कहा कि ये लोग जो है जितनी जो है वैकेंसीज होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा है, और उन लोगों में से सिक्योरिटी गार्ड एक का कहना है कि यहाँ पे अगर 60 वैकेंसीज है, यहाँ पे 120 लोगों को लगाने की क्या ज़रूरत थी, किसने लगाया? तो आप भी वही कह रहे हैं कि इनको ज़रूरत से ज़्यादा लगाया गया, तो क्या आपका यहाँ पे स्टाफ ज़्यादा है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे ज़्यादा लगाया गया, ज़रूरत तो इनकी वहाँ पर देखा जाए तो अभी हमारे 3 जगहों पर हॉस्पिटल है, कॉलेज है, सेपरेट सेपरेट जगह पे हैं। तो जो एक पहले इंडिविजुअल एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे, अब उनको 3 जगह पे काम करना है, तो नेचुरली जो है इनकी जो है वो ज़रूरत ज़्यादा हो गई है, और वी रिक्वायर मोर नंबर ऑफ पीपल, खासकर सफाई वाले अटेंडेंट और ये दूसरे जो मल्टीपर्पज़ वर्कर हैं। हम तो आजकल नहीं कहते कि कोई खास एक ही कैटेगरी के लोग होने चाहिए, लेकिन मल्टी टास्क फोर्स हैं, इसलिए इनकी ज़रूरत और बढ़ गई है हमें, क्योंकि विकास होता था, डाइवर्सिफिकेशन होता हमारा जो है स्ट्रक्चर्स। तो सर यानी आपका ये कहना है कि ये लोगों का जो काम है इंतहाई ज़रूरतमंद है हॉस्पिटल के लिए, लेकिन एक तरफ से ना तो हॉस्पिटल या गवर्नमेंट इनकी ज़िम्मेदारी ले रहा है, दूसरी तरफ कंपनीज़ भी इनको तनख्वाह नहीं दे पा रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा तो नहीं है,
कुछ सूरत हाल तो निकलनी है इसकी। हमेशा एक जो है लोग मिलती है, देर से मिले लेकिन मिलती ज़रूर है इनको, इनकी बेजेस वगैरह। अब चार महीने से बंद है इनकी तनख्वाह। तनख्वाह तो नहीं कह सकते हम इनको, डेली वेजेस हैं वो, उनके हिसाब से जैसे कंपनी ने किए वो उन्होंने, हम उनको लिखते हैं तो वो भेजते हैं उनके थ्रू ही ये लोग आते हैं। तो सर अभी लिखा नहीं आपने चार महीने से? नहीं लिखे तो थक गए। वो क्या कह रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स क्या है? देखो ना, हर चीज़ का अपना अपना लिमिट है, तो गवर्नमेंट भी हर चीज़ को एक जगदम नहीं कर सकती है किसी तरीके से भी। ये गवर्नमेंट का मत है, ये तो आपने कहा कंपनी है, अगर तिरंगा कंपनी के तहत है तो उनसे आपने बातचीत की होगी ना? बात सुनो ना, ये तो कंपनी जो है हमारे पास है भाई, आपके पास 10,000 रुपया है ये खर्च करने के लिए, आप करो तो उसमें उस कंपनी को उतना दिया होता है, कंट्रेक्चुअल में आते हैं ये लोग उस कॉन्ट्रैक्ट में हैं, प्लस हमें अब जो हैं फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये जो पुराना जो कंपनी का था ठेका वो तो ख़त्म हो गया, हमने नए टेंडर डाले हैं अब जो सितंबर में ख़त्म हो गया था, तो उसके मुताबिक अब जो नई कंपनी आएगी उसके नए अपने टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, तो उसी हिसाब से उनको वो मिलेगा। अगर सितंबर में इनका टेन्योर ख़त्म हो जाता है, लेकिन इनका कहना यह है कि इनकी सैलरी चार महीने से बंद है, सितंबर के बाद अक्टूबर मसा महीना लगा है, यानी कि अभी रिसेंटली इनका वो बात रहे हैं कि थोड़ा बहुत है, तो पहले भी ऐसा ही रहता है कि थोड़ा देर हो जाती है, देर या सवेर, लेकिन वो उनकी पे तो जो भी है अलाउमेंट्स मिलते हैं मिलेंगे। लेकिन इन्होंने ये कहा कि इससे पहले इनके पास ठाकुर सिक्योरिटी की जो कंपनी थी उन लोगों ने इनका पीएफ कुछ खाया है, तो इसका मतलब ये कंपनी भी अब आखिरकार दिवालिया हो रही है और ये लोग भी इनका खाने के लिए अब वो कर रहे हैं, और हॉस्पिटल तो इनसे मुसलसल काम ले ही रहा है। नहीं ऐसा तो नहीं मेरे नाले में कि पहले कौन सी कंपनी थी, लेकिन अभी हम टेंडर करेंगे तो उसमें कौन सी आती है कि जो इनका उठाएगी बीजेस। तो सर आपका क्या इन लोगों के लिए क्या आश्वासन होगा, किस तरह से आप इन लोगों को मुतमईन करेंगे कि ये काम पे रहेंगे और काम छोड़ हड़ताल बंद करेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि जो पहले लगे हैं, एक तो ये भी अपने स्ट्रेस डालते हैं उस वजह से लगते हैं, ठीक है ना, और अगर आप ये अपना काम जब ज़रूरत पड़े तो ना करें, तो इसमें मेरे ख्याल में ये ना तो इनकी अकलमंदी है ना इनकी बेहतरी है इसमें। नाज़रीन आपने देखा हमारे साथ बात कर रहे थे प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा, इन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से उन लोगों को भरोसा और इत्मीनान भी दिलाया और पूरे सवालात इनके साथ हुए, इनके जवाबात आप जाने और आपने क्या समझा। फिलहाल इसी तरह देखते रहिए शुभम चैनल डोडा, अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।